अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है लग फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सफ़र पे, तो अम्मा जी का मूड हो गया ख़राब। मूड, अम्मा का मूड इसलिए ख़राब होता है कि अगर लेट हो जाए ना तो अम्मा से बर्दाश्त नहीं होता। अम्मा अगर पहले तैयार हो जाए तो फिर बाकी वाले लोगों की खैर नहीं है, और जो बच्चे वाली औरतें हैं वो बेचारी तो फिर क्या करें, एक बच्चा रोता है और एक हंसता है। फिर दिखाते हैं आपको, आगे देखो मेरा पर उधर बुब्बा को दो। एजू बड़ी मैन हो, एक मिनट अच्छी तरह मदनी लोग भी छोटे होते थे वो भी इस जगह बैठते थे। अब अजू ने ये जगह ढूंढ ली है सीटों के दरमियान बैठने वाली। ओ मेरी पारी बेबी, मेरा पार बेबी कहाँ जा रहा है? अच्छा हमारी गाड़ी के आजू के आज की जो शरारत है ना वो इसने ये सीखा हुआ है। अंगूठा रख लेती है, ये देखे जरा मुंह में रख लेती है और उसको दबाती है ऐसे ऊपर वाली। मुझे लगता है ये दांत निकाल रही है, इस वजह से इसको जो है ना किचकिची होती है। ये देखे जरा ऐसी ऐसी जी कहो गर्ल है हैं। आज की शलालत अजू ने ये सीखी है। नहीं दिल्ली ऐसे नहीं की भीड़ करती होती थी जब वो बड़े बाल रखता था। दिल की भी की थी, उसको भी जब शौक हो रहा था ऐसे बाल रखने का। जमशेद भी वो तो हेयर बैंड लगाता होता था। हाँ हमारे घर भी लड़के लगाते हैं, सभी भी लगाते थे। अच्छा आज की मैं छुट्टियाँ की, मैंने मुझे कहता है ना, मैंने कहा बाल बहुत बड़े हो गए, कट कटिंग करवाने हैं, सोए मैं रात को मर गई छुड़ेंगे हैं आ गए पोनी टूट गई है अभी ना इसके। हाँ जी, तो हम आ गए हैं मरी टूल प्लाजा, और यहाँ से मोटरवे मरी की तरफ जाने वाली शुरू हो जाती है, तो हमारे साथ रहिएगा। तो आपको दिखाते हैं आज मरी का मौसम भी और उसका रास्ता भी। इतनी बर्फ पड़ रही थी, इतनी बर्फ में और बाद में याद है के पहले हम आपने देखा कि वहाँ छतरियाँ लगी हुई थी जिसमें छोटी और बड़ी दोनों तरह की छतरियाँ शामिल थी, बच्चों के लिए भी थी और बड़ों के लिए भी थी। अगर इन केस बारिश हो जाती है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे फिर ये गरम शॉल औरतों के लिए है, आपको पसंद आती है तो ज़रूर खरीद दें जो लेना चाहते हैं। तो बड़ी खूबसूरत शॉल्स थी। तो हम लोग क्योंकि यहाँ से इस्लामाबाद से ही गए थे और हम लोगों ने फिर शॉल्स घर से ही लेके गए हुए थे, तो जो लोग लेना चाहें या जिनको ज़रूरत हो तो वो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। इकरा हारून की पश्तो सुनना चाहती थी, इसलिए उसने पठान बच्चे को रोका और हारून से कहा कि वो उसके साथ बातें करे और वो उसकी पश्तो सुन सके। उसके बाद जनाब हम लोग नथिया गली की तरफ रवाना हो गए। इकरा किधर बैठी हो? नहीं मैं तो हूँ ही नहीं। नथिया गली का बाज़ार बहुत खूबसूरत जगह है, पुरसकून भी है। आप मरी जाएं तो नथिया गली की तरफ भी ज़रूर जाएं।
पूरी दुनिया की बर्ड है ना। सूल हॉस्पिटल आ गया। आप बंद है ये समुद्री कथा लेक। देखो जी किधर मिल रहा है। वेलकम टू काला बाग कैंप। सारा कुछ काला ही काला, काला ही काला, काला ही काला। हाँ क्या मुकी है, क्या मुकी है? ए फेरी तुसी बाजी अगे पै जाओ ना, बाजी अगे पै जाएगी ना। हाँ तुसी से वो अगे पै जाते। बहुत शुक्रिया कि आप हमें बताएंगे और दिखाएंगे, इसी बहाने हम भी देख लेंगे। तो मैं बैठी हूँ यहाँ, हमने गाड़ी चेंज करते करते पसीने हो गए ऐसे ही। वैसे हवा ठंडी है तो मरीन के ऊपर जाके मुंडा पकड़ के ले आया। मैं ले, चलो जाओ फिर ले। प्रिंसेस तो तरह घुमा के रखते हैं फिर सही। प्रिंसेस ये लो, प्रिंसेस एक मिनट हाल निकाल निकाल। अजवा की मामा की बहुत तबीयत खराब हो गई, उनको वोमिटिंग शुरू हो गई है। ए जू आई यो, हां जी अजवा रानी पीछे है और हम जा रहे हैं कैरी कोर्ट में। अभी तो रोड ठीक है लेकिन आगे वो कह रहे रोड खराब है। मोटे कपड़े जनाब, यही बेल शून्य बताओ ये। आज प्रैंक हो रहे हमारे साथ, हम लोगों ने सिट्टा लिया, सोचा 50-50 को होगा, कहता कि जी 200 रुपए दे दो। हाँ जी दो तीन जगह भी पहली दफा आई हो ना इधर। हां आंटी। हां अजवा की डोल है और इसका सर बच गया है। अजवा का सर लगा है, आपको बिठाया था ना तो आप भी टूट टूट के भाग गए। एप्पल से सब लोग इंसाफ कर रहे हैं, भूख लग रही है ना भाजी। अब पता नहीं वहाँ खाने पीने का क्या इंतजाम होगा। अच्छी गई है खान को। अच्छा जंप लग रहे, जब वहाँ आओ गाड़ी ले लो और आगे आओ। तो झील पे हम जा रहे लेक पे। हाँ हाँ इतना जोर लगा रही है, इतना जोर लगा रही है। आते ना फिर तुम झील पे लेके चलो, वो देख इधर कितने स्पीड स्पीड पानी आ रहा है। ये अबशार है, हैं वो अब आगे से आसान शुरू हो गए हैं। हाँ जी आ गई जी झील। एक मिनट में जज्बात बदल दिए, बात बदल दे, मारो मुझे सारे मिलके मारो। हाँ नहीं तो मैं जान को बाहर लेके खड़ा हूँ।
लेके आए हैं चले आरिया इसीलिए मैं पकड़ लाई हूँ ना बैग अपना पकड़ लाई। वाह जी वाह माशाल्लाह। अब कितना खुश हो रही है मम्मा उधर बैठे बाजी आपने मेरा पोज खराब कर दी है। हाँ बैठाते हैं वो गाड़ी में ये कभी इसी बात के ऊपर ही बनाएंगे। हमारी अजवर रानी जो कर रही है जी चेंज एजू क्या वो लेकर आई ये इसके साथ पहनने की जी ये वाला शूज पहनने के लिए एजू अब ये फाइंड कर रही है मुझे कुछ और मिले क्या ढूंढ रही हो जी बोलो जी आवाज भी आनी है एजू ऐसी ऐसा ढूंढ रही है मुझे कोई चीज दो हे हे प्रिंसी हाँ जी सब लोग उधर से आ रहे हैं और मैं इस रास्ते से जा रही हूँ वापस। अल्लाह हाय अल्लाह बेबो जी हेलो वो बैठी हमारी बेबो जी और ये रास्ता जिससे मैं ऊपर चढ़ के आई हूँ और हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। ये है जी झील का असल व्यू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है फुल डे बंदा आसानी से इसमें क्या हुआ है यहाँ पर लड़के बैठे शीशा पी रहे खा रहे चढ़ के देख लें। हम लोगों ने जो पिक्चर देखी थी ना वो इसमें बोटे बोर्ड पड़ी हुई थी यार एक बोर्ड थी वो निकाल दी क्योंकि ये हाँ ये सारे गिरा दिए ना हाँ घर उन लोगों ने घर खुद गिराए हैं ये हाँ हुकूमत वालों ने नेवी वालों ने अच्छा जिसकी ये जगह ये देख रही है इधर भी चल दे हाँ इन लोगों ने दुकानें दुकान डाली थी नहीं अच्छा तो ये वो विजिटिंग प्लेस नहीं रही है हाँ उन लोगों ने ये बनाया तो उन लोगों ने गिरा दी है हाँ हुकूमत वालों ने अच्छा ये इसलिए वो काफी देखो ना मैं आगे वो लड़की से पूछ रही हूँ वो काफी जगह से नीचे से ऊँचा
ये जी सारा रास्ता है, अभी यहीं से हम लोगों ने वापस जाना है। मैं जरा वो नीचे से उसका आबशार का लेना चाह रही थी साथ में। ये इसी के साथ ही हम लोग अपनी इस वीडियो का करते हैं जी एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। प्रिंसेस 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 आप भी आ जाओ, फुल मोशन में रोते हुए। जानू सब लोग बैठ गए हैं, आप अकेली तो नहीं बैठी हो, सब बैठे हैं बेबी गाड़ी में जो बैठ गए सब। चढ़ाई की वजह से कुछ लोग दूसरी गाड़ी में चले गए और हम लोग इसी में बैठे हुए हैं कैरी वैन में।